दोस्तों अगर आप भी जो है इंस्टाग्राम ऐप जो यूज करते हो, यानी कि अदर सोशल मीडिया ऐप की तरह जो है आप इंस्टाग्राम ऐप को उनसे ज्यादा यूज करते हो, तो आज के वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बिकॉज आज के वीडियो में मैं बताऊंगा इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके लिए जो है बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो क्या है वो ट्रिक और कैसे करना है उन्हें यूज, तो पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दिस रेड सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो दोस्तों सबसे पहली ट्रिक है फुल कलर बैकग्राउंड। दोस्तों अगर आप एक फुल कलर बैकग्राउंड चाहते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक इमेज जो है कैप्चर करनी है, कोई भी इमेज। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहां से जो आप कलर जो पेंसिल आइकन है सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो है कोई भी कलर आपको जो है पिक करना है, जैसे कि अभी मैं यहां पर करता हूं कलर पिक। और उसके बाद आपको जस्ट उस इमेज पर जो कुछ टाइम तक होल्ड करके रखना, कुछ ऐसे जिस तरह की आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों फुल वही कलर जो आप यहाँ पर आ चुका है, तो इस तरह से आप जो है फुल बैकग्राउंड पा सकते हो। तो अगर आप चाहो तो इसमें जो है इरेज करके कोई भी हार्ट या फिर कोई भी शेप जो है बना सकते हो, मेरा यहाँ पर नहीं बना बिल्कुल अच्छी तरह से। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्स्ट से रिलेटेड। देखिए दोस्तों अगर आप टेक्स्ट भी जो है सेंड करते हो अपने स्टोरीज में, तो आपको क्या करना है कि अगर आप इन कलर के अलावा भी कोई मल्टीपल कलर चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है सबसे पहले आपको सिलेक्ट टेक्स्ट करना है, उसके बाद जो है कोई भी कलर हो उसके जो आपको होल्ड करके रखना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ग्रेडियंट कलर का जो ऑप्शन आ चुका है, यानी कि रेनबो कलर, आप मल्टीपल कलर में कोई भी कलर अपने पसंद का जो है सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों टेक्स्ट शैडो इफेक्ट। ठीक है दोस्तों अगर आप टेक्स्ट में जो शैडो इफेक्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल सी ट्रिक है, आपको जो है कोई भी टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने गिफ्ट प्राइम को लिखा है, उसके बाद जो आपको इसी टेक्स्ट को जो अगेन लिखना है दोबारा से, तो आपको कलर डिफरेंट रखना है कुछ इस तरह से, तो उसी टेक्स्ट को उसके ऊपर ही रखना है आपको, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सब कुछ हो जाने के बाद देखिए टेक्स्ट में शैडो इफेक्ट जो है आ चुका है, तो कुछ थोड़े लिटिल बिट प्रैक्टिस से जो आप इसे और भी अच्छी तरह से जो है कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों वो टेक्स्ट कलर से रिलेटेड है। आपको करना क्या है दोस्तों, कोई भी आपके टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट ऑल करना है, उसके बाद आपको जो है इसमें आपको दोनों ही हाथ को जो यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कलर ग्रेडियंट देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ओपन हो चुका है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे हाथ से जो टेक्स्ट को जो है अनसेलेक्ट करते जाना है कुछ इस तरह से, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये देखिए दोस्तों जो पर्टिकुलर कलर में जो डिफरेंट कलर आ चुके हैं, यानी कि हर टेक्स्ट का अपना एक कलर है, तो दोस्तों एक ग्रेडियंट कलर भी जो है आ सकता है, बस आपको थोड़ी बहुत लिटिल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से जो आप जो है अपने टेक्स्ट में जो ग्रेडियंट कलर भी देख सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों लास्ट ट्रिक जो कि है कि अगर आप अपने स्टोरीज में बिल्कुल एक HD इमेज क्वालिटी चाहते हो कि आपकी इमेज है जो थोड़ी सी क्रॉप ना हो बिल्कुल अच्छी तरह जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी इमेज को जो ओपन करना है, उसके बाद जो है उसे एडिट करना है। तो एडिट के लिए आप कोई भी जो है इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है पिक्चर आर्ट यूज कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर आपको जो है 16:9 का ऑप्शन तो आपने सुना ही होगा, आपको जस्ट रिवर्स करना है, यानी कि 9:16। तो वैसे तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज का जो है ऑलरेडी ऑप्शन मिल ही जाएगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करना है और करना है सेव, दैट्स इट। तो देखिए दोस्तों अब मैं जब इमेज को जो है स्टोरीज में लगाऊंगा तो यहाँ पर कोई भी क्रॉप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ही एज इट इज इमेज जो है यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से कुछ जो आप जो एक HD क्वालिटी की इमेज है जो बिल्कुल ही सेट कर सकते हो अपने स्टोरीज में। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये लिटिल बिट ट्रिक जो पसंद आई होगी, अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।